आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं री की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ने जा रहे हैं? री की मात्रा। री की मात्रा, री की मात्रा का पहचान करना, री की मात्रा से शब्द बनाना और शब्द और अक्षर को मिला करके मात्रा का अभ्यास करना। आपके सामने ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? री। री से ऋषि, री से ऋषि। और री का, री की मात्रा हम कैसे बनाते हैं? क, ठीक है, सी जैसा। ओके, री की मात्रा फिर से देखिए कैसे बनाएंगे, क सी, ठीक है। अभी आपको री की मात्रा को बनाना कैसे समझ में आ गया? री, री से ऋषि, और री की मात्रा को हम ऐसे बनाएंगे, कर्व लाइन। आपने कर्व लाइन जानते हो आप लोग? हाँ, वही कर्व लाइन, लाइक सी। आइए बच्चों, हम री की मात्रा को अक्षरों में लगा करके मात्रा का अभ्यास करते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि री की मात्रा को कैसे बनाना है, कर्व लाइन के जैसे, ठीक है। आपको कर्व लाइन के जैसे मात्रा बनानी है। तो सबसे पहले हम क में मात्रा लगाएंगे। क में री की मात्रा लगाया, क्या बन गया? क्री। ख में री की मात्रा, क्री। ग में री की मात्रा, ग्री। घ में री की मात्रा, ग्री। च में री की मात्रा, थ्री। छ में री की मात्रा, थ्री। ज में री की मात्रा, जी। झ में झरी। ट में री की मात्रा, थ्री। ठ में री की मात्रा, थ्री। ड में री की मात्रा, ड्री। ड में री की मात्रा, ड्री। त में री की मात्रा, त्री। थ में री की मात्रा, थ्री। ड में री की मात्रा, ड्री। ध में री की मात्रा, ध्री। न में री की मात्रा, नी। प में री की मात्रा, प्री। फ में फ्री। ब में री की मात्रा, ब्री। भ में री की मात्रा, भ्री। म में री की मात्रा, म्री। य में री की मात्रा, री। र में री की मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ल में री की मात्रा, री। व में री की मात्रा, व्री। श में री की मात्रा, श्री। क्री। ख में री की मात्रा, क्री। स में री की मात्रा, श्री। ह में री की मात्रा, ह्री। छ में री की मात्रा, छ्री। ट में री की मात्रा, थ्री। हा में मात्रा हम यहां में लगाते हैं, ठीक है, ऐसे में लगाते हैं। ग में री की मात्रा, ग्री। तो ये आपका हो गया मात्रा अभ्यास कि हमें अक्षरों पर मात्राओं को कैसे लगाना है, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम अक्षर और मात्रा, ठीक है, अक्षर और री की मात्रा को मिलाकर के शब्द बनाते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, क धन, री की मात्रा धन, ख धन, ई की मात्रा। क, क में लगाया री की मात्रा, श, इसको ख भी बोलते हैं और श भी बोलते हैं, ठीक है। इस पर लगाया हमने, ये लिखा स, और लगाया हमने ई की मात्रा है, ई छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा कैसे रखते हैं? पहले लगेंगे, ओके। तो बन गया क री क्री, श ई कृषि, ओके। प धन, री की मात्रा धन, थ धन, क प। प में लगाया री की मात्रा, क्या बन गया? प्री।
फिर हमने लिखा थ, फिर क्या लिखा है क, ये आपका शब्द बन गया पृथक। क्या बन गया प री प्री थ क पृथक। फिर है ग धन री धन ह, ग धन री धन ह, ग में लगाया री की मात्रा, क्या बन गया ग्री। और क्या लिखा हमने ह, क्या बन गया गृह, गृह मतलब घर। फिर क्या लिखा है म धन री की मात्रा धन ग, म धन री की मात्रा धन ग। तो हम लिखेंगे सबसे पहले म, म में लगाया री की मात्रा, म में री की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा मृ। और ये क्या लिखा है ग, क्या बन गया मृग, मृग मतलब हिरण। हिरण देखा है, हिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर, ओके। फिर लिखा है अ धन म धन री की मात्रा धन त, अ धन म धन री की मात्रा धन त। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाँ ये सबसे पहले हम अ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो री की मात्रा नहीं है, यहाँ पर क्या है म, हाँ मछली वाला म, म लिख दिया। अब है री की मात्रा, तो अभी री की मात्रा कहाँ लगेगी म के नीचे, ये क्या बन गया मृ। और ये क्या लिखा है तो अ मृत, तो अमृत, क्या बन गया अमृत। क री क्री श ई कृषि, प री प्री थ क पृथक, ग री ग्री ह गृह, म री मृ ग मृग, अ म री त अमृत। ठीक है बच्चों, अभी आपने री की मात्रा से हम शब्द कैसे बनाएंगे, अक्षर में ई की मात्रा लगा करके हम शब्द कैसे बनाएंगे, हम इस मात्रा की पहचान कैसे करेंगे और हम इसको बोलेंगे कैसे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।